चंदन नगर में विमला काकी जो कि गांव की सबसे बुजुर्ग औरत है, वो चौपाल पर बैठकर हर रोज बच्चों को कहानियां सुनाती है। सभी बच्चों को विमला काकी की कहानी बहुत पसंद आती है। वो रोज चौपाल पर बैठकर विमला काकी की कहानियों का आनंद लेते। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है हमारे गांव में बहुत पहले एक नरभक्षी दानव रहता था। उसके लंबे लंबे नाखून थे, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत और बिल्कुल एक भालू की तरह था वो। विक्रम, देख जरा, सभी बच्चे विमला काकी की कहानियां सुनकर मस्त हो जाते हैं। हाँ भाई, और रात में हमें सोने नहीं देते। फिर दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। अच्छा, अब वो दानव कहाँ है? अब वो दानव हमारे गांव के कुएं में है। क्या, कुएं में? हाँ, हमारे गांव के कुएं में। अब जो भी बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, जिद करेगा, वो दानव आकर उसे खा जाएगा। क्या, खा जाएगा? चलो अब जाओ यहाँ से और जाकर सो जाना, ठीक है? सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। सभी बच्चे खेलते खेलते उस कुएं तक पहुँच जाते हैं। देख बंकू, अगर तूने मेरी गेंद नहीं दी तो तुझे वो राक्षस खा जाएगा। तुझे अभी भी वो राक्षस वाली बात याद है? अरे वो एक कहानी थी बस, और कुछ नहीं। अगर सच में कोई राक्षस होता तो क्या हमारे घर वाले हमें यहाँ आने देते? और अगर राक्षस हुआ तो? अरे तू भी किन बातों में विश्वास करता है? चल मैं तुझे उस कुएं में दिखाता हूँ, कोई राक्षस वाक्षस नहीं है। फिर सारे बच्चे उस कुएं के पास चले जाते हैं और उस कुएं का ढक्कन खोल देते हैं। तभी उन्हें बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। सभी बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। शाम को जुगनू अपने खेत में कुछ काम कर रहा था और घर जाते समय उस कुएं के पास से गुजरा कि अचानक कुएं के पास से वो गायब हो गया। गांव वाले उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, लेकिन वो नहीं मिला। तब से रात को जो कोई भी उस कुएं की तरफ जाता वहां से फिर लौट कर नहीं आता। गांव के सभी लोग चौपाल पर बात करते हैं। मुखिया जी, हमें कुछ करना होगा। कुछ दिनों से जो कोई भी उस कुएं की तरफ जाता है लौट कर नहीं आता। गांव में इतने सारे हादसे हो गए, अब ना जाने वो कुआं किस किस को खा जाएगा। हमारा शहर जाना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है। जब तक हम इस समस्या का समाधान ना ढूंढ ले, तब तक कोई भी रात में उस कुएं की तरफ नहीं जाएगा। तब से गांव के लोगों ने रात में उस रास्ते से वहां से आना जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन प्रताप के बेटे बंगू को बहुत तेज बुखार आ जाता है और शहर जाने का बस वही एक रास्ता था। बंकू की हालत बिगड़ने लगी तो प्रताप बंकू को लेकर उस कुएं वाले रास्ते से ही शहर के लिए निकला। शहर से आते वक्त, सुनिए जी, जल्दी जल्दी चलिए, शाम हो गई है, हमारा यहाँ ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। अरे हाँ हाँ, चली तो रहा हूँ। पिताजी, क्या सच में इस कुएं में कोई राक्षस रहता है? हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है, पर अब जल्दी जल्दी चलो। जब तक बंकू दौड़कर उस कुएं के पास चला जाता है। अरे अब खड़े क्या हो, पकड़ो उसे, देखो वो उस कुएं की तरफ जा रहा है। अरे तो मैं क्या करूं, सुबह से तो बुखार में था और अब देखो कैसे इधर उधर दौड़ रहा है। बंकू, ए बंकू, रुक जा। बंकू उस कुएं में झांक कर देखता है और प्रताप उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारता है। तभी बंकू का पैर एकदम से फिसल जाता है और वो कुएं में जाकर गिर जाता है। बंकू, बंकू बेटा, अजी अब क्या होगा, आप निकालिए मेरे बेटे को इस कुएं से बाहर। मुझे नहीं पता आप कैसे भी इसे कुएं से बाहर निकालिए, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। अरे हाँ भाग्यवान, मुझे भी मेरा बेटा उतना ही प्यारा है जितना कि तुझे। चल हम गांव से मदद लेकर आते हैं। फिर दोनों गांव की तरफ जाते हैं। गांव वाले उर्मिला को रोते देख इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? और प्रताप भैया, आप भी बहुत घबराए हुए लग रहे हो। अरे भाई चलो जल्दी हमारी मदद करो, वो बंकू उस कुएं में गिर गया है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्या, बंकू कुएं में गिर गया? भगवान, अब क्या होगा? हाँ चलिए, आप सभी चलिए और मेरे बेटे बंकू को उस कुएं से बाहर निकलवाने में हमारी मदद कीजिए।
नहीं नहीं बेटी, इस वक्त तो कोई भी गांव वाला तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना कि उस कुएं के पास रात को कोई नहीं जाता है। तो ठीक है, मैं खुद ही पंकू को बचाने जाऊंगी। अरे प्रताप भैया, आप रोकिए ना उर्मिला भाभी को। आपको पता है ना, उस कुएं की तरफ रात को जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर वो कुआं इन्हें भी खा गया तो, और वैसे भी हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। क्या आप यही चाहते हो कि आपकी उर्मिला भाभी को भी खा दे? मेरा उर्मिला के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं उर्मिला को उस कुएं की चंगुल में फंसने के लिए नहीं भेजूंगा, और अपने बेटे को बचाने के लिए मैं खुद ही उस कुएं में जाऊंगा। प्रताप उस कुएं की तरफ जाने लगता है। रुक जा बेटा, जितना प्यारा पंकु तुम दोनों को है उतना हमें भी, पर अगर तुम दोनों भी उस कुएं की तरफ गए और भगवान न करे तुम्हें कुछ हो गया तो? फिकर मत करो बेटा, भगवान कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे, बस तुम थोड़ा सबर करो। फिर उर्मिला गांव के शिव गौरी मंदिर में जाने लगती है। सभी गांव वाले भी उसके पीछे पीछे हो लेते हैं और बंकू की सलामती की सब प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ पंकू जो कि उस कुएं में गिर गया था, लेकिन किस्मत से उस दिन पूर्णिमा थी और वो राक्षस गहरी नींद में सोया था। अरे कुएं में किसी के खर्राटों की आवाज आ रही है। वो आगे चलकर देखता है, उसे एक दानव सोया हुआ दिखता है। अरे बाप रे, इतना भयानक दानव! कहीं ऐसा तो नहीं कि विमला काकी की कहानियों में जो नरभक्षी दानव था ये वही हो? मतलब विमला काकी की कहानियाँ सच थीं। अगर ऐसा है तो ये दानव तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, पर निकलूं कैसे? यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ होगा? बंकू उस राक्षस को देखकर बहुत घबरा गया था। मुझे माँ और पिताजी की बात मान लेनी थी। माँ और पिताजी बाहर जाने किस हाल में होंगे, और ये कुआं इतना गहरा है कि चढ़कर निकलना नामुमकिन है। मुझे कोई रास्ता दिखाओ भगवान। वो आसपास बाहर जाने का रास्ता देखता है, तभी उसे एक अजीब सा निशान दिखता है। वो उस निशान को छूता है कि तभी अचानक एक पतली सी सुरंग का रास्ता खुल जाता है और उसे वहाँ पर और भी इंसान दिखाई देते हैं जो कि अधमरी हालत में थे। आज कितने दिनों बाद मुझे किसी इंसान की खुशबू आ रही है। तभी आहट सुनकर बंकू कहीं छुप जाता है। अरे बापरे, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? अरे वो पिशाच, वो यहाँ से कहाँ गया? तभी उसके पीछे से गुर्राने की आवाज आती है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। और पलट कर देखता है तो उसके सामने वो नरभक्षी दानव खड़ा होता है। आज तो मुझे एक और शिकार मिल गया, अब मैं जल्दी श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। पर वो दानव जैसे ही बंकू को हाथ लगाता है, वैसे ही बंकू बचकर भाग जाता है। अरे ये क्या हुआ, कहाँ गया वो? फिर दानव उसकी खुशबू सूंघकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर पंकू पास पड़े हुए कीचड़ को अपने ऊपर लगा लेता है ताकि दानव को उसकी बू ना आए, और फिर सुरंग के एक कोने में जाकर छुप जाता है। फिर सुरंग में फंसे हुए लोगों से पूछता है। अरे काका, आप यहाँ सब कब से कैद हैं, और इस दानव ने आपको खाया नहीं? अरे बेटा, अगर ये दानव मुझे खा लेता तो मुझे तड़पना नहीं पड़ता, पर जब से इस दानव ने मुझे कैद किया है तब से मैं रोज रोज मर रहा हूँ। ये दानव थोड़ी थोड़ी करके हर रोज हमारी जान खींच लेता है। ये तो बिल्कुल विमला काकी की कहानियों जैसा ही है। बेटा तुम यहाँ से निकलने का जल्दी ही रास्ता ढूंढ लो, नहीं तो ये दानव तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। नहीं काका, मैं आप सबको ऐसे छोड़कर अकेला नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ उर्मिला और गांव के सभी लोग मंदिर में बंकू की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, मेरा विश्वास है आपके रहते वो राक्षस मेरे बेटे का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तभी वहां एक अघोरी साधु आ जाता है। तुम सब मारे जाओगे, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा।
सभी गांव वाले उस अघोरी की बात सुनकर दंग हो जाते हैं। आप कौन हो बाबा, और आपको पहले इस गांव में हमने तो कभी नहीं देखा, और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? इस गांव पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। बाबा आप बड़े पहुंचे हुए लगते हैं, कृपया आप मुझे बताएं मेरा बेटा पंकु सही सलामत है ना? ऊपर वाले के मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तुम्हारा बेटा उसी राक्षस की कैद में है, वो राक्षस किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या, पर वो राक्षस हमारे गांव में कैसे आया, और हाँ वो सबको क्यों मारना चाहता है? वो राक्षस इसी गांव का एक आदमी था जो कि किसी संत के श्राप के कारण उसी कुएं में दानव बनकर रह रहा है। उसने कई साल शिवजी की उपासना की और खुद को बहुत ही शक्तिशाली बना लिया, और अगर वो 11 इंसानों की बलि देगा तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, और फिर वो उस कुएं से बाहर भी निकल सकता है। क्या क्या, पर बाबा उसे मारने का कोई तो तरीका होगा ना? तरीका तो है विमला बहन, आप अभी उस राक्षस को मारने का तरीका इन गांव वालों को बताइए। आप विमला काकी को जानते हैं? ये है इंडिया के पुराने आप विमला काकी को जानते हैं? हाँ बेटा, ये बहुत ही जाने माने अघोरी है, पर जब से उन साधु ने उस आदमी को श्राप दिया था तब से हमारे गांव में कोई भी संत और साधु नहीं आया। पर कौन था वो आदमी और उसे ये श्राप क्यों मिला? वो आदमी सभागन का बेटा था, उसने एक साधु की गाय को मार के उसका मांस खाया था, तब से उस साधु ने उसे श्राप देकर उस कुएं में बंद कर दिया था। दूसरी तरफ बंकू वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, तभी अचानक उसके सामने वो दानव आ जाता है। तो तू यहाँ पर छुपा हुआ है चूहे, तूने मुझे बहुत भड़काया है, अब मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। दानव बंकू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर बंकू बचकर फिर से निकल जाता है। दानव गुस्से से बंकू के पीछे पीछे बढ़ता है और बंकू उससे बचकर आगे निकल जाता है। दौड़ते दौड़ते बंकू एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है। बंकू उस पत्थर को ध्यान से देखता है तो पत्थर के पीछे नागफनी दिखाई देती है, तब वो उस पत्थर को खोदने लगता है। अरे शिवलिंग, और ये भी इस कुएं के अंदर? ये महादेव, आप मेरी और यहाँ पर कैद बाकी सभी लोगों की रक्षा करना। तभी दानव वहाँ पहुँच जाता है और वो उसके मुँह से आग के गोले बरसाने लगता है। बंकू बचते बचाते उस चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है जहाँ पर वो दानव सोया हुआ था, और दानव के आग के गोले की वजह से वो चट्टान टूट जाती है। उस चट्टान में से एक त्रिशूल निकलता है, उस त्रिशूल को देखकर दानव डर जाता है। अरे इस त्रिशूल को देखकर ये दानव डर क्यों रहा है? तभी दानव फिर से आग का गोला बंकू पर फेंकता है, पर बंकू खुद को बचाने के लिए उस त्रिशूल को आगे करके आंख बंद कर लेता है, और वो आग का गोला उस त्रिशूल से टकराकर उस दानव पर ही उल्टा पड़ जाता है। अरे मतलब ये त्रिशूल मायावी है, इसका मतलब इस त्रिशूल से दानव भी मर सकता है। फिर बंकू उस त्रिशूल से दानव के ऊपर वार करता है, दानव दर्द से कराहने लगता है पर वो मरता नहीं। अरे ये दानव तो इस त्रिशूल से भी नहीं मरा। अरे हाँ याद आया, विमला काकी ने एक बार उनकी कहानी में बताया था, अगर त्रिशूल से राक्षस की नाभि में वार करो तो वो मर जाएगा। फिर बंकू त्रिशूल निकाल कर उस राक्षस की नाभि में वार करता है, वो राक्षस जोर जोर से कराहने लगता है, और देखते ही देखते एक आदमी में बदल जाता है और कुएं में कैद सभी लोग ठीक हो जाते हैं। अरे तुम इंसान कैसे बन गए? वो दानव बंकू को सारी बात बताता है,
और फिर उसे और कुएं में कैद सभी लोगों को बाहर निकालता है। अगले दिन गांव के सभी लोग उस कुएं के पास इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भूत भूत भूत, अरे कहाँ है भूत? अरे वो देखो, उस बरगद के पेड़ में कुछ हलचल हो रही है। ये वही भूत होगा जो इंसानों को मारना चाहता है। तभी वहां से बंकू और कुएं में कैद लोग और विमला काकी का बेटा बरगद के पेड़ से बाहर निकलते हैं। गांव के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर बंकू गांव वालों को सारी बातें बताता है। विमला काकी अपने बेटे को गले से लगा लेती हैं। बंकू, आज तूने मेरे खोए हुए बेटे को फिर से लौटा दिया, मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं? रोज रोज नई नई कहानियां सुनाकर। और फिर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर उर्मिला भी बंकू को गले से लगाती है। बंकू गांव वालों को बताता है कि कुएं के अंदर एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। अगर उस कुएं के नीचे सच में कोई शिवलिंग है तो क्यों ना हम उस शिवलिंग को बाहर स्थापित कर दें? अरे हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा सुझाव है। हम आज ही शिवलिंग की स्थापना का काम शुरू कर देंगे और एक शिव मंदिर भी बनवाएंगे। वहीं उर्मिला अपने पति को सही सलामत देखकर महादेव और देवी माँ का धन्यवाद करती है।